अम्मा क्या हुआ, आप ठीक है? आप क्या हुआ, यहाँ कैसे? मुझे बताएं। I'm so sorry, मैं आपका फोन नहीं उठा सकी, वो प्रिंसिपल के साथ और मुझे भेजे उसको सॉरी करने के लिए। मुझे बताएं पहुंची कैसे यहाँ। अस्सलामुअलैकुम, बताएं हुआ क्या था, आपने डॉक्टर से बात की? अच्छा, बट वो मुझे रिपोर्ट क्या है? वो बड़े मामू मेरा बच्चा, मैं आपकी बेटी हूं या ये भी झूठ है? कैसे बात लू? क्योंकि जो सारी बातें आपने आज तक बोली है वो सब झूठ है। Look, because I remember you telling me के नाना जो है वो बहुत बड़े आदमी थे और रिश्तेदार, हो सारी फैमिली शहीद हो गई थी ना, और रिश्तेदारों ने कब्ज़ा कर लिया था जायदाद पे, और फिर आपको मेरा बाप मिला था और उसने आपको सहारा दिया, फिर वो हमारी खातिर मुल्क से बाहर चले गए और गॉट कॉट इन ए केस और समथिंग, और फिर इन्हें जेल हो गई थी। छूट है इतना मैं बताती हूँ तुझे, मतलब मैं सारा मेरा बचपन बस मैं तुझे समझाती सब आना मेरे पास, मैं बताती हूँ। ये दो जो अजीब से आदमी, मेरा नाना और मामू है, और सॉरी मेरा बाप जिंदा है, कल को मेरा बाप भी जिंदा हो गए ना? नहीं, क्योंकि नाना और मामू जिंदा है तो बाप भी तो हो सकता है ना, मुझे बता दे अगर है ऐसा कुछ। मेरे पास आप तो सही बताती हूँ तुझे। नहीं एक मिनट, मुझे आपकी कोई कहानी नहीं सुननी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप अब जो सुनाएंगी वो सच है या जो सारी जिंदगी मेरे सुना वो सच था। अब जो कहानी सुनाओ क्यों वो सच है, तेरे मेरे ताल्लुक की तरह सच। आ तो सही, इसके बाद कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, फिर तो ये कहानी याद करेगी। आ जाना बस। लड़की थी,
मासूम सी भूली भाली आप जैसी नहीं तेरे जैसी जुठा लेती थी वो करके रहती थी। उम्र कच्ची थी, दुनिया से नावाकिफ थी, लेकिन उसे खुद पर एक भरोसा था। देखिए स्टैंड अप गर्ल जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे। कुश्ती का मुल्क कुश्ती ही नहीं है, इज्जत शान और शौकत है, सरदारी है। सुल्तान को अखाड़े की मट्टी में दफन करना है तुम्हें। अखाड़े को भी जंग का मैदान बना दें और ऐसी कुश्ती कर के माँ का दूध हलाल करते। उसके लिए यह इंतकाम की जंग है। तेरा बेटा जब अखाड़े में उतरेगा ना तो दिलो जान से उतरेगा। सुल्तान को पिलवानी मिरास में मिली थी और दिलशेर को दुश्मनी मिली है। दुश्मन को ठाके ऐसा पटकूंगा कि जमीन कांप उठेगी। जोगियों का जोगी मैं, रोगियों का रोगी मैं, रस्तों में खोया मैं रास्ता फिर होया मैं। बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।